आप सभी का स्वागत है रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल में और मैं हूं कैलाश रजवाड़े। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड धान के बारे में। ये देखिए 18 से 20 पैकेट धान है अलग अलग वैरायटी के बारे में। इनका प्राइस सही से आपको डिटेल से बताऊंगा कितना दिन का होती है कि धान है, कौन सा सबसे धान बेस्ट है। तो एक एक करके सबको आपको डिटेल से बताने वाला हूँ जो अपने खुद के खेत में लगाऊँगा। और आज मैंने दो पैकेट को बुआई भी कर दी, सीधी बुआई, और जो भी जानकारी होगा इसका संपूर्ण वीडियो आपको लाता ही रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक एक करके कि कौन सा धान क्या रेट है। और हमारे और मैं सूरजपुर से हूँ और सरगुजा संभाग का पूरा यहाँ से मैं सूरजपुर से धान लिया हूँ। और जो भी रेट है उसका डिटेल से बात करते हैं और कौन सा वैरायटी बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह देखिए पूरी धान की वैरायटी है और इसको अपने खेत में खुद लगाऊँगा और ये छत्तीसगढ़ और मेरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ कराने वाला हूँ और मैं कैलाश रजवाड़े। यह देखिए इंडो ग्रीन विजेता 5005 और ये 120-125 दिन के धान है और ये दो पैकेट। और इसके रेट के बारे की बात की जाए तो 1050 मिला है। और ये देखिए और अराइस का 6555 ST और ये भी है 125-128 दिन का। एक प्राइस की बात की जाए तो हम लोग लिए मिला है मेरे को 1100 रुपये में और ये भी ज़बरदस्त धान है उपज में। इसको पिछले साल लगाए थे, इसका भी रिजल्ट अच्छा है। और ये देखिए 27P22 इसका भी दो पैकेट लिए हैं लगाने के लिए। और इसके और 125-128 दिन के भी धान है। और इसकी बात कीजिए पर पैकेट की तो 1000 में मिला है। अब ये है 84-33 DT, इसका वेस्ट डीजल था, मैं खुद लगा चुका हूँ इसको। इस बार हम लोग 6 पैकेट लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अब 6 पैकेट। इसका 130-135 दिन के धान है। ये झुलसा के प्रति सहनशील है और जो होता है बुरे माहौल के प्रति उससे भी सहनशील है। इसका बाली अच्छा होता है, लंबा और मोटा धान है। और इसकी प्राइस की बात की जाती है 1150 रुपये एक पैकेट मिला है इस ये वाला अराइज AZ 84-33 DT। और 28P66 इसको दो पैकेट लिए हैं, ये भी मोटा लंबा धान है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो यह 1100 रुपया मिला है, नहीं 1150 लिया है इसका, 1150 लिया। और ये देखिए EOS 365 ये भी 130-135 दिन का धान है। और ये भी EOS 362 गहरा खेत के लिए है, ये भी गहरा खेत के लिए है। और ये 84-33 DT भी गहरा खेत के लिए है। तो इसका बात की जाए EOS की रेट तो ये है 1030 से मिला पर पैकेट। और ये था यस 4003 सिजेंटा कंपनी का, तो मिला मेरे को 950 रुपया में प्रति केजी। अब ये है धड़क दो नाथ कंपनी का है, जिसका लंबा होता है और ये गादर 120-125 दिन के धान है ये भी। और ये 4003 120-125 दिन के धान है, ये भी गादर चावल के लिए 120-125 दिन के धान है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो यह है 1000 मिला। और ये देखिए साथ ही लाया था एक पैकेट, वो नर्सरी डालते समय कुछ भी फंगिस का बोलते हैं घास उस सूखता है उसके लिए, तो 180 रुपये मिला। और ये है कितना ग्राम है, 80 ग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि एक एक करके इसका वीडियो आएगा जब इसका धान पकेगा, तो सारी वीडियो आएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए कमेंट भी कर सकते हैं धान के बारे में संबंधित में। एक बार फिर से बता देता हूं कि यह है 120-125 दिन के धान, ये दोनों इंडोग्रीन विजेता और ये 5005। और पानिया है ये भी गाजर चावल के लिए 120-125 दिन के धान, ये है 84-33 DT गारा खेत के लिए है। और ये भी गारा खेत के लिए है 28P66। और ये है क्या बोलते हैं गादरी खेत के लिए 120-125 दिन का धान, ये भी गहरा खेत के लिए है 130-135 दिन के धान, ये भी 120-125 दिन का है, एक गादर चमर के लिए है।
मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं किसान भाइयों कि इस बार मैं अलग अलग वैरायटी को लिया हूं कि देख सकूं कि किसमें ज़्यादा अधिक उत्पादन मिल सके। तो इस प्रकार से देखिए मैं अलग अलग वैरायटी का चूज़ किया हूं कि किसमें ज़्यादा मुनाफा होगा, किसमें अधिक रोग नहीं लगेगा और किसमें स्वस्थ होगा और किसमें प्रोडक्शन अधिक होगा। और जो भी जानकारी होगा तो आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा अलग अलग वैरायटी किस मेरे को लगाने में ही फ़ायदा होगा कि किसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन मेरे को मिलता है। तो चलिए वीडियो के यहीं एंड करते हैं। जो भी जानकारी होगा कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा धान के विषय में, इन सारी चीज़ों के बारे में।